हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिद्धार्थ। वेलकम टू द बीसीसी कॉम्पिटेटिव यूट्यूब चैनल। तो आज आम डिस्कसन करा 2022-2020 यार डिस्कसन कौन अच्छे, यार न्यूज पेपर कौन अच्छे, करंट अफेयर कौन देखा। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमिशन। तो 15th फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन रहते एन के सिंह। तो नंदकिशोर सिंह आम 15th फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन, जी कन्स्टिट्यूट होता प्रेसीडेंट द्वारा होता। तो नवंबर 2017 तो आम गोटे कन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहे आर्टिकल 280 अंडर में आपको आम प्रेसिडेंट आमर आपको गठन करती प्रति 5 वर्ष को थे। तो प्रति 5 वर्ष को थे गठन करती, या मैंने कौन प्रति 5 वर्ष को थे गोटे प्रकार रिव्यू हे। कौन रिव्यू हे ना आम सेंटर जी सेंटर मान आम सेंट्रल गवर्नमेंट जी आम टैक्स कलेक्शन गला से टैक्स रते परसेंट टैक्स जीव परसेंट जहाँ भी पैसा कलेक्शन है टाँचा पैसा तादेहर के परसेंट जीव आम राज्य सरकार मानक। तो यह डिसाइड करने आम फाइनेंस कमिशन हो जाए। तो यह आम 15th फाइनेंस कमिशन कराई जार कि मेम्बर भी अच्छा अजय नारायण झा, अशोक लाहरी, अनूप सिंह, आउ गोटे आउ जे पार्ट टाइम मेम्बर अच्छे रमेश चंद्र, एगुड़ा सहित सहित आम हेड रोज नंदकिशोर सिंह, एन के सिंह रोज। ठीक अच्छे आमर एमती पूरा फर्स्ट केवे स्टार्ट होता 1951 स्टार्ट होता जार कि चेयरपर्सन थे के सी नियोगी थे। आमर एटा 15 मैंने या पूर्व 14 था, 14 चेयरपर्सन है वाई भी रेड्डी, जीक रेकमेंड करते 42% सेयर जी दरकार स्टेट को रेकमेंड करते। आम एप्रिल फर्स्ट रो यार रेकमेंडेशन लागू हो 15 फाइनेंस कमिशन रो रेकमेंडेशन जहाँ भी हम। तो सेटा 1 अप्रैल 2020 आम स्टार्ट हो 5 वर्ष पर्यटन, पुणी 2025 पर्यटन चल जाओ, पुणी 25 सरिया टाइम आसे पुणी 16th फाइनेंस कमिशन पुणी अपॉइंट हे प्रेसिडेंट द्वारा से अच्छी अलग कथा। एपर्तन 15टा आम फाइनेंस कमिशन हो। ठीक अच्छे ए 15 फर्स्ट आ 14 यही तीन टाइम जहाँ चेयरपर्सन मन रखा भेरी भेरी इंपोर्टेंट एगुड़ा जब आने। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द सॉइल हेल्थ कार्ड इन व्हिच ईयर, कौ वर्ष आम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सॉइल हेल्थ कार्ड लॉन्च कर। तो यहाँ आम 2020 को 5 वर्ष हो मैंने 2015 लॉन्च कराई। तो यहाँ कहीं न्यूज रही ना फेब्रुआरी 19 अर्थात काली गला काली। तो सेटा आम सॉइल हेल्थ कार्ड डे भाव में सेलिब्रेट कराई आम इंडिया गवर्नमेंट द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड डे कराई। तो यहाँ आम स्टार्ट 5 वर्ष आगर प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा राजस्थान रू स्टार्ट यहाँ मन रखा। प्लस या द्वारा कम कौन हम ना सॉइल रो हेल्थ देखा जीव। तो गवर्नमेंट एजेंसी आसे गोटे सॉइल सैंपल ने विभिन्न प्रकार लेबोरेटरी जा चेक करी से सॉइल रे कौन कमी अच्छी से सॉइल को आग कौन तार हेल्थ गोटे प्रकार जमी आम हेल्थ चेकअप कले आम कौन देखा सेमती सॉइल रे हेल्थ भी चेक करा ये। तो द्वारा फार्मर भी डिटेल जापारे तो से सॉइल रे कौन अच्छे कौन ना कौ आम फर्टिलाइजर दिज्व कौ कीटनाशक दिज्व यह सब जिन सी देखिए। प्लस आमर यहाँ आमर यह भी कह से सॉइल रे कौ फसल हम धर से सॉइल रे धान हम कि गहम हम कि कौन हम यहाँ भी से हेल्थ कार्ड रे से डिस्क्राइब कराई थी। ठीक है आम मन रखा 2015 स्टार्ट होता राजस्थान रहा। नेक्स्ट जी व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ द दिल्ली। तो दिल्ली स्टेट बर्ड कौन तो आंसर हो ग्रेट हॉर्नबिल ना हिल माइना ना ब्लूज या इंडियन रोलर भी कहुच ना हाउस स्पारो। आंसर हो हाउस स्पारो। हाउस स्पारो मैंने घर चटिया जोड़ा आमर। ठीक अच्छे तो यहाँ आम न्यूज कहीं अच्छी ना गोटे रिपोर्ट अच्छी स्टेट ऑफ इंडियास बर्ड्स। तो यहाँ आम 2020 रिपोर्ट आए कही अर्बन एरिया जो हाउस स्पारो अच्छा तार पॉपुलेशन डिक्लेन कर लगी कि अर्बन एरिया छाड़ दे आउ जगह सब अलमोस्ट स्टेबल अच्छा मानते ओवरअल स्टेबल अच्छा यहाँ पॉपुलेशन हाउस स्पारोर कि अर्बन एरिया आज देखा मिलूना डिक्लेन कर लगी मैंने कमी कमी जा लगी अधिका बंची रही रहती। एनिवे आम दिल्ली हूँ स्टेट बर्ड हाउस फोर सॉरी हाउस फायर दिल्ली स्टेट बार्ड आ 2012 आम ओडिशा रो कौन आम स्टेट बार्ड। तो प्रति राज्य रहा अलग अलग से प्रति राज्य डिसाइड कर स्टेट बार्ड कौन हम। तो ओडिशा आंध्र प्रदेश आ कर्नाटक ए तीन जगार स्टेट बार्ड हूँ गोटे इंडियन रोलर कह ब्लू जय या कह जहाँ अप्सन थी आम टिक करा ब्लू जय या इंडियन रोलर सेमती ग्रेट हॉर्नबिल जोटा रोज ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल से केरला आउ अरुणाचल प्रदेश भी स्टेट बार्ड आम एमती भी कहींपर। ठीक अच्छे तीन टा बहुत बहुत इंपोर्टेंट ओडिशा आम रोलर इंपोर्टेंट ग्रेट हॉर्नबिल बहुत एग्जाम पचार जाए आम हाउस फायर डेली रही रिपोर्ट आसी तो न्यूज अच्छी। ठीक अच्छे जी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज बीन रिसेंटली नेम्ड आफ्टर द मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर नाँ से कौ इंडियन इंस्टीट्यूटा आम रिनेम कराई। तो आम IDSA जोटा कि इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस। तो यहाँ को आम रिनेम कर मनोहर पर्रिकर नाँ से। तो या रिनेम कर मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस।
ତ ଇଏ ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ରହୁଛି ଆଉ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏହାର ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହା ବି ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟାକି ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଭବନ କରାଯାଇଥିଲା, ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଭବନ ଆଣ୍ଡ ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଏମିତି କରିକି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ଆମର ରିନେମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଥିଲେ ଆମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ତ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ସେମିତି ବି ଆମ ଦେଶର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ବାହାରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଦେଖିବ, ତାର ତଦାରଖ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ନାଁ ରଖନ୍ତି। ସେମିତି ପାରି କରିଥିଲେ ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଆଉ ଏନାଲିସିସ୍ର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରିନେମ୍ କରାଗଲା। ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେଇ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଖିକି ଆମେ ଅପସନ୍ ଟିକ୍ କରିବା, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାନି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଆଉ ଅପସନ୍ରେ ବି ଦୁଇଟି ଯାକ ଥିବ, ଅପସନ୍ରେ ବି ଥିବ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ବି ଥିବ, ଆମର ପାରିକର ବି ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାନି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଅଶରଫ ଘାନି ୱନ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ଏଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହୁଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଅଶରଫ ଘାନି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇକି ଜିତିକି ଆସିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଥିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏବେ ବି ଜିତିକି ଆସିଲେ, ଆମର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହିଁ ଜିତିକି ଆସିଲେ। ତ ସେ 50+ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ। ଆଉ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାବୁଲ, ଆଉ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାସ୍ତୋ ଆଉ ଡାରି, ଏହାର ହେଉଛି ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯା, ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ଦ ମେନ୍ସ ଇଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୁନିୟର ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2021, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କେଉଁଠି ହେବ, ତ ଏଇଟା ହେବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ 4 ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା 2016 ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେବ। 2016 ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଜିତିଥିଲା ଜୁନିୟର ହକି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୁନିୟର ହକି ପୁରୁଷ ମେନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହକି ଫେଡେରେସନ୍ ଆକୁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ ବା ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରେ, ଅଛି କେଉଁଠି ନା ଲାଓସ୍ ନେ ଆମର ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା 2021 ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେବ ଆମର। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ଦ ଫିଫା ଅଣ୍ଡର୍ 19 ଓମେନ୍ସ ଫୁଟବଲ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ସେଇଟା ଥିଲା ଜୁନିୟର ମେନ୍ ହକି, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡର୍ 19, ଇଏ ବି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଫୁଟବଲ୍, ତ ଇଏ ବି ହେବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ହେବା ସହିତ ସହିତ 5 ସିଟି ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ନେଭି ମୁମ୍ବାଇର ହେବ, ଅହମ୍ମଦାବାଦର ହେବ, କୋଲକାତାର ହେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ହେବ, ଆଉ ଗୁହାଟୀରେ ବି ହେବ। ଏଇଟା ଆମର ନଭେମ୍ବର 2020 ଆଡ଼କୁ ହେବ, ଇଏ 20ରେ ହେବ, ସିଏ 21 ହେବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ଦୁଇଟି ଯାକ ଜୁନିୟର ଦୁଇଟି ଯାକ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେବ, ହକି ଆଉ ଫୁଟବଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଫିଫାର ଓମେନ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ଟା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା, ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଇଜ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ହେଜ୍ ବିନ୍ ରିନେମ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ହୋମ୍, କାହା ନାଁରେ ରିନେମ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ଇଜି ହେଇଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହି, ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ କ'ଣ, ଆଉ କିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଆମର 14th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ୍ର, ଦେବା ପ୍ଲସ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଗଲା ଆନ୍ସର୍ ପଚରାଯାଇଥିଲା ତା'ର ଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଇଥିଲା ତା'ର ଆନ୍ସର୍, ତ ସି ଡି ଦେଶମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଆଉ ସ୍ମିଥ୍ ହେଇଯିବେ ଆମର ଓଭରାଲ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର RBIର। ଆମର ୟୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲସ୍ USAଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୋଟେ, ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ହୁଡ୍ କନଫରେନ୍ସ 1944 ଆମର ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ IMF ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ IMF 1945 ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମର ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି ୱାଶିଂଟନ୍ DC USA ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ।